नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका डिजिटल सेवा गुजरात चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीओबी बीसी लॉगिन में जो पेरी सर्विस की एरर आ रही है, इसके सॉल्यूशन के बारे में थोड़े स्टेप बताएंगे। इसे ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप न करें, वरना एरर का सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले अपने कंप्यूटर में विंडोज की प्रेस करके रखे और साथ में आर की प्रेस करें, जिससे रन ओपन होगा। अब उसमें हमें सिर्फ टेम्प लिखना है और एंटर बटन प्रेस करें। अब हमारे सामने जो भी फाइल दिखती है, वो सभी फाइल को सिलेक्ट करके और उसे डिलीट कर दे। जो फाइल डिलीट ना हो उसे छोड़ दे, विंडो को क्लोज कर दे। अब फिर से विंडोज की प्रेस करके रखे और साथ में आर की प्रेस करे। अब रन में परसेंटेज टेम्प परसेंटेज लिखे और एंटर बटन प्रेस करे और सारी फाइलें डिलीट कर दे। जो फाइल डिलीट ना हो उसे छोड़ दे, विंडो को क्लोज कर दे। अब फिर से विंडोज की प्रेस करके रखे और साथ में आर की प्रेस करे। अब रन में प्रीफेच लिखे और एंटर बटन प्रेस करे। हमारे सामने जो भी फाइल दिखती है, वो सभी फाइल को सिलेक्ट करके और उसे डिलीट कर दे। जो फाइल डिलीट ना हो उसे छोड़ दे, विंडो को क्लोज कर दे। अब माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर को ओपन करे और साइड में थ्री डॉट दिखते हैं, उस पर क्लिक कर दे और सेटिंग के ऑप्शन में जाए। अब प्रिवेसी सर्च एंड सर्विसेज के ऑप्शन पर क्लिक कर दे। अब क्लियर ब्राउजिंग डाटा में चूज व्हाट टू क्लियर पर क्लिक करे। लास्ट आवर की जगह पे ऑल टाइम सिलेक्ट करे और नीचे के सारे चेक बॉक्स पे क्लिक कर दे और नीचे क्लियर नाउ के बटन पर क्लिक कर दे। आप देख सकते हो सारे डेटा क्लियर हो रहा है। अब ब्राउजर को क्लोज कर दे। अब कंट्रोल पैनल में जाए और प्रोग्राम एंड फ्यूचर पर क्लिक करे। नीचे प्रोग्राम के लिस्ट में पेरी सर्विस को ढूंढे और उसे अनइंस्टॉल कर दे। अब अपना कंप्यूटर या लैपटॉप को रिस्टार्ट कर ले। अब अपना कंप्यूटर रिस्टार्ट होके स्टार्ट हो गया है। तो हमें पेरी सर्विस के सेटअप में जाके पेरी सर्विस के सेटअप पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके इंस्टॉल करना है। आप सेटअप किस तरह इंस्टॉल करना है देख सकते हैं। अब हमें नीचे सर्च में सर्विसेज लिखना है और सर्विसेज पर क्लिक कर देना है। अब सारी सर्विसेज हमारे सामने ओपन होगी, जिसमें हमें लिस्ट में से पेरी सर्विस को ढूंढ के उस पर एक क्लिक करना है। साइड में आपको स्टॉट लिखा हुआ दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें, जिससे पेरी सर्विस स्टॉट हो जाएगी। और फिर से पेरी सर्विस के ऊपर राइट क्लिक करके रीस्टार्ट पर क्लिक करें। अब आप माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर ओपन करें। उसके सर्च बार में https://localhost/port1212/pis लिखे और एंटर बटन प्रेस करें। नीचे एडवांस लिखा हुआ आएगा, उस पर क्लिक करें। नीचे कंटिन्यू टू लोकल होस्ट पर क्लिक करें। ऊपर सर्च बार में https://bob.ngm-fi.com लिखे और एंटर करें। पॉपअप मेनू ऑन होगा तो आपके सामने लॉगिन पेज आ जाएगा और आप अपना लॉगिन पासवर्ड दर्ज करें और देखिए, अब पेरी सर्विस की एरर नहीं आएगी और आप सही से लॉगिन कर पाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारी डिजिटल सेवा गुजरात चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।